ब्लाउज डिजाइन सिखाएंगे। ब्लाउज का लंबाई है 13। मोड़ने के लिए लंबाई 13 है तो 13.5 रखेंगे। शोल्डर 4.5 इंच, पांच इंच बगल का, चेस्ट 30 इंच है तो 7.5 रखेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। डेढ़ इंच गला 11 इंच रखेंगे, इसमें डिजाइन डालेंगे। ढाई इंच शोल्डर, 1.5 इंच गला, गया डिजाइन, इसको कट करेंगे। इसको ऐसा काटेंगे पहले,
लेके आए। इस तरह से मार्कर करेंगे। ये हो गए और इस तरह से रखेंगे। इसको हम थोड़ा बढ़ा के निकालेंगे। इसी तरह से हम चार निकालेंगे, एक बड़ा है, एक छोटा है। इसको हम भी थोड़ा बढ़ाएंगे, इसको भी। इसी तरह हम चार निकालेंगे, दो बड़ा दो छोटा। इसको कट करेंगे। किन्नर से काट लिया है, हम डबल डबल लगाएंगे इसको, एक में दो दो लगाएंगे, तो चार चार आठ हो गया है, दो चार बड़ा चार छोटा, इसको हम डबल लगाएंगे। इसी तरह हम कपड़े भी काटेंगे। एक कपड़े का डिजाइन बनाने का है, तो इसको हम तीन में चार लगाएंगे, दो दो लगाएंगे, कपड़ा एक ही लगाएंगे ऊपर का और नीचे अस्तर लगाएंगे। इसको हम एक ही लगाएंगे, इसके नीचे हम एक अस्तर लगाएंगे, इसके नीचे इसको हम सिल के दिखाएंगे। इतने में से अब कपड़े भी काटेंगे, अस्तर पट्टी। इसको हम इस तरह से सिलेंगे,
ये सिल गया है कैनवास। अब इसको इस तरह से मोड़ेंगे, इधर चटके देंगे दो दो। इसी तरह से मोड़ के सी लेंगे। चटका देंगे यहाँ पर इसमें, ये अस्तर और कपड़े ज्वाइन कर लिया है। अब एक चटका इधर देंगे बीच में, इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर टच करेंगे थोड़ा, इस तरह से सी लेंगे। इसको कट करेंगे, पहले कैनवास कट करेंगे। कपड़े भी काटेंगे, अभी चटका देंगे।
तरह से भी चटका देंगे, तो इस तरह से करेंगे इसको, इस तरह से करेंगे। इस तरह से इस पे हम बड़ी सिलाई सिलाएंगे। इसी तरह पूरा सिलाई चलाएंगे। अभी इसको हम पाइपिंग लगाएंगे इसमें। ये पाइपिंग का कपड़ा है, 2 इंच निकालेंगे ऐसा। इसको पहले सी लेंगे। इसी तरह इस बाजू सी लेंगे। सीन गया है, अब इस तरह से पाइपिंग बनाएंगे। यहाँ थोड़ा चौड़ा रखेंगे। हम 1.5 इंच के सी लेंगे। धागा में इस तरह बांधेंगे।
का पिन तैयार हो गया है। इस तरह से लगाएंगे। पाइपिंग किस तरह से लगाएंगे। कट इसको फिर इस तरह से लगाएंगे। इसी तरह हम इधर की भी लगाएंगे। इस तरह पाइपिंग लग के तैयार हो गया है। अब इसके अंदर की डिजाइन बताएंगे। ऐसा हमारे चार है। इसको इस तरह से रखेंगे। तो इस तरह से सी लेंगे। सिल्क हो गया है। अब इसको इस तरह से करेंगे। बड़ा सिलाई मारेंगे, निकालेंगे इसको। सिल के तैयार हो गया है। इसको हम पाइपिंग लगाएंगे।
ये पाइपिंग है, इस तरह से लगाएंगे। इसी तरह हम चारों में बनाएंगे। चारों बनके तैयार हो गया है, अभी हम डिजाइन को सेट करेंगे। ये हमारा डिजाइन का है, इसको हम सेट करेंगे। सेट हो गया है, अब इसी तरह से हम सी लेंगे। टोचनी लगाएंगे, डिजाइन बनके तैयार हो गया है। इसे आप चौड़ा चाहें तो चौड़ा रख सकते हैं, पतली भी रख सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।